इसराइल हिजबुल्ला के बीच बढ़ा तनाव। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। बीते रविवार को दोनों के बीच यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया। यह तनाव पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। इसराइल हमास के जंग के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भी भड़क उठी है। जब आसमान में भिड़े हिजबुल्ला इसराइल, फुआद शुक्र की हत्या से तमतमाए हिजबुल्ला ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन इसराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्ला के सभी रॉकेट मिसाइलों को चुटके में ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्ला ने करीब 300 से अधिक रॉकेट टांगे थे, मगर इसराइल का इसमें बाल भी बाका नहीं हुआ। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने 100 फाइटर जेट भेजकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 के बाद यह इसराइल की ओर से सबसे बड़ा हमला है। जब यह हमला हुआ तो आसमान में रॉकेट ऐसे उड़ते नजर आए जैसे पटाखे चल रहे हों। जानिए आखिर कैसे शुरू हुआ विवाद। पूरा विवाद पिछले महीने गोलान हाइट्स पर हिजबुल्ला की ओर से हुए रॉकेट हमले के बाद शुरू हुआ। बता दें कि ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद लगभग एक महीने से इसराइल और लेबनान के लोग एक व्यापक युद्ध के लिए तैयार थे। इसराइल हिजबुल्ला ने लगाए ये आरोप। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्ला ने आरोप लगाया है कि उसका हमला सफल हुआ, लेकिन इसराइल छिपा रहा है। इस मामले में नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को इन हमलों में जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। उधर इसराइल ने ही लेबनान में कई हवाई हमले किए और हिजबुल्ला को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसराइल हिजबुल्ला के बीच हवाई हमले से एक बार फिर इलाके में महाजंग का खतरा बढ़ गया है। आशंका है कि इस बढ़ते तनाव के कारण गाजा में युद्ध विराम समझौते के प्रयास विफल हो सकते हैं। बता दें कि ताकत के मामले में हिजबुल्ला को अपने सहयोगी हमास से कहीं अधिक शक्तिशाली है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 150,000 रॉकेट और मिसाइलों का अनुमानित भंडार है।